बॉलीवुड में खिलाड़ी कुमार के नाम से मशहूर अक्षय कुमार इंडस्ट्री में 3 दशक पूरे कर चुके हैं। अक्षय कुमार ने फिल्म सौगंध से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जो 25 जनवरी 1991 को रिलीज हुई थी। अक्षय कुमार की ये डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी थी और फ्लॉप साबित हुई थी। हालांकि इस फिल्म में अक्षय ने आने का अपना किस्सा सुनाया था और वो भी फिल्मी से कम नहीं। दरअसल सौगंध से पहले अक्षय कुमार को फिल्म फूल और कांटे ऑफर की गई थी। खबरों की माने तो अक्षय ने इस फिल्म के लिए तैयारियां भी कर ली थी, शूटिंग भी शुरू होने वाली थी कि अचानक उनके पास एक दिन कॉल आया कि शूटिंग के लिए ना आए। आपको बता दें कि फूल और कांटे में अक्षय की जगह अजय देवगन को ले लिया गया था और ये फिल्म उस समय की सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। वहीं यदि अजय की जगह अक्षय को फूल और कांटे मिलती तो ये उनकी डेब्यू फिल्म होती। ऐसे में जब फूल और कांटे हाथ से जा चुकी तो अक्षय को मिली फिल्म सौगंध, जिससे उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। भले ही अक्षय कुमार के करियर की शुरुआत एक फ्लॉप फिल्म से हुई थी, लेकिन वो आज बॉलीवुड के चोटी के कलाकार होने के साथ ही सबसे महंगे स्टार भी हैं। बात यदि अक्षय के वर्क फ्रंट की करें तो अक्की आपको सूर्यवंशी, राम सेतु, वेल बॉटम जैसी फिल्मों में नज़र आने वाले हैं। अक्षय कुमार राम सेतु के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रहे थे और इतना ही नहीं, अयोध्या में बन रहे मंदिर के लिए भी भिक्षाटन उन्होंने किया था और एक बड़े से ग्रुप के साथ सब लोगों ने गांव में जाकर श्री राम के लिए चंदा इकट्ठा किया था। और सिर्फ अक्षय कुमार ही नहीं, और भी बहुत सारे फिल्म सेलिब्रिटी थे, रवि किशन, निरहुआ, बहुत सारे लोगों ने अयोध्या में जाकर उसके आसपास के गांवों में चंदा इकट्ठा किया था श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए। बहुत सारे पैसे भी अक्षय कुमार ने दिए हैं। तो श्री राम का मंदिर बन रहा है और वहां पर लोग देश विदेश से ईंटें भी भेज रहे हैं, जिसकी जितनी शक्ति है उस हिसाब से वो भक्ति करता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे में अक्षय कुमार भी भक्ति भाव से जुड़े हुए नज़र आए और उन्होंने भी गुप्त दान किया है, जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं है कि उन्होंने कितना दान किया है। लेकिन भगवान के नाम पर जितना भी करें कम ही है। देखते रहें बिग स्क्रीन, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।